हेलो एवरीवन, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लास टॉप क्लास। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद। आज फिर मैं लेकर आई हूं आपके लिए नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट। पापड़ी भी हम घर में ही बनाएंगे, तो पापड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है 2 कप मैदा। उसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच ज़ीरा, आप चाहें तो अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें इसके अंदर ऐड करना है ऑयल या फिर घी। मैं इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ, आप कितना भी घी, ज़्यादा घी ऐड ना करें, 1 से 1.5 चम्मच ही, और अपने स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, ऐसे ही इस आटे को भी तैयार करना है। अक्सर आपने भी वो वाली कहावत सुनी होगी, नहलाया धुलाया मुक्का मार के सुलाया, जो बचपन में सभी लोग सुनते हैं। तो हमें इसको नहलाना भी है, धुलाना भी है और अच्छे से मुक्के मारना है जब ये अच्छा तैयार होगा। इसको गूंध कर 15 मिनट के लिए साइड में रख दें, जब तक ये मैदा थोड़ा सा फूल जाएगा। जब भी हमारे घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं तो ये रेसिपी हमारे बहुत काम आती है। अब हमारा डो बिल्कुल रेडी है। इसकी छोटी छोटी लोई, जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं, रोटी बेलने के लिए, इस तरह से छोटी सी लोई बना लें गोल, और फिर इसको पतला बेलना है। जितना आप रोटी को बेलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पतला इसे बेलना है, जब ये अच्छी कुरकुरी बनेगी और हमें पापड़ी का मज़ा आएगा। इस तरह से किसी नुकीली चीज़ से कर लें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फुल्की जैसी फूल जाएगी। और फिर इसको किसी भी शेप में कट कर लें, किसी भी शेप कटर की मदद से, या फिर मैंने ग्लास और कप की मदद से इसको कट किया है। ये एक आलू उबाला है मैंने, इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। आप एक आलू उबाल लें तो ये अच्छा रहेगा पहले ही। और इसको हॉट ऑयल में, तेज़ गरम तेल में हमें तलना है। पहले इसको हॉट ऑयल में तलें और फिर उसके बाद लो फ्लेम कर दें। हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे लाइट ब्राउन करना है। जैसे ये लाइट ब्राउन शेड पर आ जाए तो आप इसे निकाल लें। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितनी कुरकुरी बनी है। बहुत से लोग बड़ी पापड़ी बनाते हैं और उसको दाल से खाते हैं, तो मैंने बड़ी पापड़ी भी बनाई है, आप देख सकते हैं। किसी भी शेप में आप कट कर लें, मैंने बड़ी छोटी सभी शेप में बनाई है। और ये देख सकते हैं, ये भी कितनी कुरकुरी दिख रही है इसमें। अब हमें चाहिए प्याज, आलू उबला हुआ और टमाटर। इसको सर्व करेंगे हम तो पापड़ी के ऊपर हमें उबला हुआ आलू, टमाटर और प्याज को डाल देना है इस तरह से। और अगर आपको ज़्यादा आलू या टमाटर पसंद है तो आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपको डालना है दही। दही को आपको अच्छे से फेंट लेना है, नमक थोड़ा सा डालकर। और मैंने इसके अंदर यूज़ की है इमली की चटनी। अगर आपके पास इमली की चटनी अवेलेबल ना हो तो आप सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला इसके ऊपर से डाल दें। आप इसके ऊपर डाल दें खारे, अगर आपके पास आलू के खारे हों तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने बेसन के खारों का इस्तेमाल किया है और ये बहुत कुरकुरी बनी है, बिलीव मी। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह आपके लिए एक नई रेसिपी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।